अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DLED BTC काउंसलिंग 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगा आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज, स्टेट रैंक काफी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। जी हाँ दोस्त, अगर अभी तक आपने अपना स्टेट रैंक डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे DLED 2023, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन करना। आपका स्टेट रैंक कुछ ऐसा शो करेगा, जहां पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जेंडर और आपकी कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है कैटेगरी। अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती से अच्छी कैटेगरी डाल दिया है, आप OBC के या जनरल के, तो भी आप बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब कैटेगरी यहाँ पर शो करेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, आपका जो स्टेट रैंक है वो यहाँ पर शो करेगा कि आपकी स्टेट रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आप लोगों ने जब आवेदन किया होगा तो आपके सामने दोस्तों जो ये फाइनल, ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आपने प्रिंट कर लिया होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जल्दबाजी में वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके ही फायदे की बात होगी। आपने एक गलती की, ठीक है, हजारों बच्चे गलती करते हैं, आप मत करिएगा, ठीक है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं ये गलती आपसे ना होने पर, जो हजारों बच्चे गलती करते हैं बाद में पछताते हैं। आपको बता दें 5,000 रुपये की रिफंड पॉलिसी क्या है, क्या कुछ पैसा आपका रिफंड होगा भी या नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और अपना 5,000 रुपये डुबा देते हैं, बेमतलब में आपका पैसा डूब जाएगा, 1 रुपये भी रिटर्न नहीं आएगा। UPDLED डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और रिजल्ट के लिए सिर्फ DLEDResult.com, जिन बच्चों ने स्टेट रैंक DLEDResult.com से डाउनलोड किया है, बहुत ही अच्छी बात है। कितने रैंक तक आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज, ठीक है, अब आपको हम बताना चाहेंगे। पहले हमारी दोस्तों जो DLED में काउंसलिंग शुरू होगी, वो होगी शुरू 15 सितंबर से, ठीक है, एक बात आप समझ गए। अब देखिए, टोटल दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में 67 डायट कॉलेज हैं, जिनमें टोटल 10,600 सरकारी सीटें हैं, ठीक है। टोटल सीटें कितनी है, 10,600। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जी, अगर हमारी रैंक 11,000 आ जाती है तो क्या हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आपको हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में, अगर आपकी रैंक 2,00,000 भी आ जाती ना तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, लेकिन एक शर्त है। तब दोस्तों शर्त ये कि आपकी कैटेगरी या तो ST कैटेगरी में हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्स सर्विस मैन हो या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हो। इसमें दोस्तों आप 2,00,000 रैंक तक भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोचिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यू आर अनारक्षित, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो भैया बिल्कुल भूल जाइएगा कि 2,00,000 में आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस क्या होता है, देखिए आपको बता दें, कुछ ऐसे डायट कॉलेज है, जैसे एक देखिए लखनऊ का डायट कॉलेज हो गया, प्रयागराज का डायट कॉलेज हो गया, वाराणसी, ठीक है, आगरा, कुछ ऐसे 200 डायट कॉलेज है जहाँ की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है। एक गाजीपुर की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है। और दोस्त इस वीडियो में आप सभी बच्चों के कमेंट का, जो बच्चे कमेंट करते ना, तो उन सभी का आंसर भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों कमेंट का पहले आंसर करते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से वीडियो को समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले कमेंट देखते हैं, इस बच्चे का है, ये कमेंट देखते हैं। सर मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ और मेरी रैंक 29,955 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन सर मेरा EWS कैटेगरी से हूँ। अब देखिए, UR कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल था, लेकिन अब इस बच्चे ने UR कैटेगरी मतलब डाल दिया EWS। अब EWS कैसे काम करता है वो भी हम आपको पहले एक्सप्लेन करते हुए चले, समझ लीजिए दोस्तों, ने तो बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कोई कॉलेज है दोस्तों, सरकारी कॉलेज है, अगर वहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं, तो कभी कभी दोस्तों वहाँ पर नियम लगा दिया जाता है कि 100 में से 40 सीटें हम कर देते हैं अनारक्षित, ठीक है, जिस पर कोई भी बच्चा सीट ले सकता है। 10% सीटें अगर हम EWS को दे देते हैं, EWS, उसके बाद दोस्तों OBC के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, ST के लिए, ST के लिए, बाकी फिजिकल हैंडीकैप और जो भी दोस्तों हमारी कैटेगरी है आरक्षित वर्ग में, ठीक है। ये दोस्तों कंप्लीटली आरक्षण होता है। जैसे मान लेते किसी सरकारी कॉलेज में पहले EWS नहीं हुआ करता था, तब वो वहाँ पर क्या होता था, जो बच्चे जनरल से आते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था सरकारी कॉलेज पाना, लेकिन उन बच्चों के लिए EWS आ गया तो कम से कम 10 सीटें आपके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अगर 200 सीटें आपके कॉलेज में, तो आपके लिए 20 सीटें रिजर्व हैं, 20 सीटों पर सिर्फ EWS का ही बच्चा मतलब लेगा, ठीक है। भले अगर EWS किसी बच्चे की मान लेते हैं कि 19 सीटें भर गई,
एक सीट में ईडब्ल्यूएस का बच्चा ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों लास्ट में अगर एक सीट पर किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस में 190 नंबर भी ठीक है आ रहे हैं, ठीक है परसेंटेज उसके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में उसके 2 लाख के ऊपर रैंक है, उसके हम कह रहे 3 लाख रैंक आ रही है, ठीक है, तब भी उसको ईडब्ल्यूएस के तहत या ओबीसी के तहत अपने आरक्षित वर्ग के तहत उसको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये फायदा होता है आरक्षण का, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें 15,000 तक की रैंक बहुत ही सुरक्षित हम कहेंगे, उसके ऊपर 50-50 वाला चांस है। भैया मेरे 98,163 ये दोस्त इनकी जनरल रैंक है, क्या सरकारी मिल सकता है? देखिए आपको बताना चाहेंगे भैया इतनी ज्यादा रैंक पर तो सरकारी कॉलेज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप लोग की रैंक हम बता रहे हैं ना मैक्सिमम हम कहेंगे 20,000 काफी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। चलिए ये तो नेट भी डिसकनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। आप सभी का जो कमेंट है वो पहले दिल से लाइक होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, भैया मेरी रैंक 1123 है बट हमारी समस्या ये है कि 5,000 रुपये फीस अगर में एडजस्ट हो जाएंगे या फिर से पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको दोस्तों बताना चाहेंगे होता क्या है कि जब आप लोग एडमिशन लेंगे, ठीक है ना, जब आप लोग से पहले ये 5,000 रुपये दोस्तों पेमेंट कराई जाएगी, आपको बता दें पहले क्लियर कर दें, आपको सिर्फ 5,000 नहीं देना है, क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फी फॉर चॉइस फिलिंग, ये मात्र चॉइस फिलिंग करने के लिए 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। मान लेते आपने किसी कॉलेज का नाम दिया, डायट, मान लेते डायट लखनऊ का नाम दिया, ये कॉलेज आपको मिल गया, तो दोस्तों 5,000 रुपये और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज को लॉक करने के लिए। टोटल आपकी 10,000 पेमेंट हो जाएगी और सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये। तो बाद में दोस्तों सरकारी कॉलेज जब आपका एडमिशन होगा मात्र आपको 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, मतलब आप एडवांस में 10,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ 41,000 फीस होती है, 10,000 एडवांस की पेमेंट रहेगी, तो आपको मात्र वहाँ 31,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 200 फीस में एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो भैया आपकी रैंक 1123 है, डेफिनेटली आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिलेगा। सर 13,213 रैंक है जनरल कैटेगरी से डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है, जी हाँ आपका 50-50% चांस है क्योंकि जनरल कैटेगरी है, अगर ईडब्ल्यूएस होता तो चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है ना। अब देखिए अगला कमेंट क्या है, भैया मेरी 2,42,023 रैंक है, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में जगह बन पाएगी? डायरेक्ट एडमिशन नहीं चाहिए, क्या रैंक आ रही है मेरी प्राइवेट कॉलेज के लिए? देखिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का ही चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट में होता क्या है ना, ये जो आप 10,000 रुपये पेमेंट करते हैं काउंसलिंग फीस में, ये वहाँ नहीं करनी पड़ेगी, पूरी पेमेंट एक साथ करनी पड़ती है। लेकिन देखिए काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कॉलेज का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस, तो पहले आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप उसका नाम दीजिए, आपको 2 लाख में भी आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए हर कॉलेज की मेरिट अलग अलग जाती है, ऐसा मत सोचिएगा कि जिले की एक मेरिट बनेगी, नहीं, हर कॉलेज की भी मेरिट अलग अलग रहेगी। सर मैं कुशीनगर से हूँ, मेरा स्टेट रैंक 2,55,000 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए आपको बता दें 2 लाख से ऊपर रैंक बिल्कुल नहीं, हाँ अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, कुछ ऐसा कोटा है तो एक बार चांस बन सकता है, अदरवाइज नहीं। इस बार कैटेगरी वाइज स्टेट रैंक आएगी या नहीं? देखिए अभी तक तो आई नहीं, आना चाहिए था पीयूष जी, लेकिन दिख नहीं रही है। मेरी रैंक 2,87,000 है, काउंसलिंग में 5,000 रुपये सबमिट करूँ या नहीं, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, प्राइवेट में चला जाए? भाई देखिए दोस्त यहाँ पर एक बच्चे ने उनको भैया रिप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। देखिए इतनी ज़्यादा रैंक है तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज का विकल्प भी डालते हैं, मान लेते हैं आपके पास स्पेशल कैटेगरी का फायदा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के भी आधार पर ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास विकल्प है। लेकिन इतनी ज़्यादा रैंक रहना तो सरकारी का मत सोचिएगा, बाकी प्राइवेट का आप सोच सकते हैं। हेलो सर कॉलेज ना मिलने पर हमारे 5,000 रुपये रिफंड होंगे कि नहीं? देखिए आपको बता दें जब आप लोग कॉलेज का नाम डालते हैं, देखिए ये देखिए इसका जो जियो आया था वही हम आपके सामने रखते हैं, इसको जरा आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा मैटर प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं चयन या अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया, चयन के समय दोस्तों यदि एक ही वर्ग या श्रेणी के 2 अभ्यर्थी के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जैसे दोस्तों मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के आप हैं और आपका दोस्त भी ओबीसी कैटेगरी से है, दोनों का नंबर 240 आ गए, ठीक है, फिर किसको मतलब सीट मिलनी चाहिए? तो वहां पर दोस्तों ये देखा जाएगा कि मान लेते हैं कि आपकी एज 24 साल है, आपके दोस्त की एज 28 साल, तो 28 साल
साल वाले बच्चे को पहले वरीयता दी जाएगी, उसको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद अगर आपकी सीट बचती है तो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हजार वाला मैटर क्या है वो भी हम आपके सामने रख दे। पहले ये देख सकते हैं स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5 हजार रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। तो दोस्त अगर आप 5 हजार की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चयन या चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक करेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों को विकल्प वरीयता के क्रम में चुन सकता है, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप 10 कॉलेज का नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं पहला कॉलेज आपका डायट है सरकारी कॉलेज, सेकंड कॉलेज दोस्तों आपका कोई प्राइवेट है, तीसरा भी प्राइवेट है, तो ध्यान दीजिएगा तीसरा वाला आपका उतना ही कम फेवरेट, सेकंड वाला ज्यादा फेवरेट कॉलेज होना चाहिए, तीसरा वाला उससे कम, ऐसे नहीं तो पता चले तीसरा वाला कॉलेज आपको मिल जाए फिर आप कह देंगे कि अरे यार उससे बेहतर तो दूसरा कॉलेज था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका भी जरा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पैसा रिफंड की दोस्तों कहीं पर बात लिखी है कि नहीं उसको जरा देखते हैं। यह ऑफिशियल है, अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत भी यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु तो पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं, जैसे मान लेते आपने 5 हजार रुपये भैया चॉइस फिलिंग के दे दिए, उसके बाद आपने कोई कॉलेज का नाम दिया वो कॉलेज आपको मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कि उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं या प्रवेश नहीं ले रहे हैं, तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5 हजार रुपये अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि आपका 5 हजार रुपये रिफंड नहीं होगा एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र या चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। मान लेते दोस्तों आपको देखिए इसीलिए कह रहे हैं, काफी बार बच्चे क्या गलती करते हैं हम आपको बता दें, गलती ये करते हैं मान लेते आपकी 10 हजार रैंक आ रही है, आपने दोस्तों पहला विकल्प सरकारी कॉलेज का डाल दिया या डायट का, सेकेंड विकल्प किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दिया, तो देखिए अगर आपको सिर्फ सरकारी चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं देंगे। बहुत से बच्चे दोनों काम करते हैं फिर उसको अगर सरकारी नहीं मिलता प्राइवेट मिल जाता है बाद में वो पछताते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में हो सकता है तो उनको सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, इसलिए और कोई वजह नहीं पछताने की। अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जाँच या प्रवेश की पुष्टि या कन्फर्मेशन हेतु आवंटन सह पुष्टि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में कंफर्मेशन फीस 5 हजार रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना पड़ेगा। तो देख लीजिए अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10 हजार रुपये अलॉटमेंट फीस प्लस कंफर्मेशन फीस 5 5 हजार रुपये का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क के संस्था को कर दिया जाएगा। तो टोटल दोस्त आपको एडमिशन लेने से पहले ही सरकारी कॉलेज में 10 हजार रुपये पेमेंट कर देनी पड़ती है, 200 रुपये बचता तो उसमें क्या छुड़वाएंगे, ठीक है ना। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच या प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर प्रवेश न लिए जाने पर, ठीक है, वह किसी भी प्रकार के अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क अलॉटमेंट फीस और कन्फर्मेशन फीस 5 हजार रुपये को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप क्या गलती करते हैं, मान लेते 5 हजार रुपये च्वाइस लॉक के लिए दिए, कोई कॉलेज मिल गया आपने च्वाइस फिल किया, उसके बाद अलॉटमेंट के लिए भी 5 हजार रुपये पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप जाकर भैया वहाँ पर जांच नहीं करवा रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा रहे हैं या एडमिशन नहीं ले रहे, तो 10 हजार रुपये जो आपने पेमेंट किया वो आपका वापस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है, तो ये सब बातें दोस्त, लेकिन कहीं पर फीस वापसी की बात यहाँ पर नहीं लिख रही है, ठीक है, इसको जरा देखते हैं। प्रथम चक्र फेज की काउंसलिंग चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक्र में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रथम चक्र या चरण में चयनित मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती या शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया तो वह द्वितीय चक्र या श्रेणी में अवशेष सीटों पर सापेक्ष हेतु विचारित होगा, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकंड में मिल सकता है, ये सब बातें, ठीक है। तो ये दोस्तों आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये लास्ट में देखिए डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर लिखा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला कमेंट देखते हैं। 28,080 रैंक आई है क्या होगा, जी हाँ कोशिश करिएगा पहले डाइट का विकल्प, बाकी आपके ऊपर है। एससी कैटेगरी से दोस्तों 33,000 रैंक आई है, जी हाँ बिल्कुल चांस बन सकता है क्योंकि ये कैटेगरी एससी कैटेगरी है, हो सकता है कि आपके जिले में ज्यादा बच्चे यहाँ पर आवेदन ना करें, आपको
सरकारी कॉलेज मिल जाए। 24,000 रैंक है डैट में, ठीक है। तो 24,000 में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखिए यहाँ पर पांडे जी, आप अगर आपके पास EWS है तो फायदा मिल सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। मेरे 7,821 रैंक का ये गवर्नमेंट मिलेगा। जी हाँ मिल सकता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं EWS होता तो और आपको फायदा मिलता। इन दिस रैंक कैटेगरी वाइज आर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, अभी देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर रैंक लिस्ट नहीं जारी हुई है। 2,99,000 स्टेट रैंक आई है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो अभी दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसे जिन बच्चों के नंबर आ रहे इतने ज़्यादा रैंक आ रही है, ठीक है वेट करिएगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है सर। काउंसलिंग करने पर कॉलेज ना मिले तो पैसे रिटर्न होते हैं या नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग परेशान मत होइए, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप लोग देखिए विकल्प इतने कॉलेज का दे देते हैं, इसीलिए सर ये देखिए ये PNP क्या बोलती है, आप अनलिमिटेड कॉलेज का नाम दे सकते हैं। एक कॉलेज क्या देना, आप पूरे के पूरे डाल दीजिए, 1,000 कॉलेज का, 2,000 का नाम, जितना मन करे आप डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी दिमागदार है मेरा दोस्त। तो 19,243 है, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा गाजीपुर में OBC तो? देखिए OBC से 19,000 पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गाजीपुर में हमने आपको पहले ही बोला कट ऑफ आई जाती है। सर मेरी स्टेट रैंक 41,000 से समथिंग है, आगरा और मथुरा डायट चाहिए। OBC से बड़ा मुश्किल है, 41,000 में तो बहुत ही मुश्किल है। मेरी रैंक 1,21,000, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ, बिल्कुल मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। आप लोग के कमेंट पर लाइक होना चाहिए, आप लोग भी दोस्तों वीडियो पर लाइक करना भूल जाते हैं, देखिए फिर एक साथ सारा लाइक कर देना चाहिए, ठीक है ना। आगे कमेंट में बढ़ने से पहले सभी लाइक करना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं सर, 8,605 डैट मिल जाएगा क्या? देखिए यहाँ एक बच्चा तो भाई सबके मतलब रैंक ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कितने नंबर आते तो इतनी रैंक आई है। चलिए आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, आपको दिक्कत नहीं सेकंड राउंड तक, अगर फर्स्ट में नहीं मिलता। 36,000 रैंक है, SC कैटेगरी है, 225%। जी हाँ आपको मिल सकता है, क्योंकि कैटेगरी SC कैटेगरी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और कोई कैटेगरी होता तो मुश्किल होता है, अब रैंक इतनी ज़्यादा है क्या होगा, बिल्कुल प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा। मेरी रैंक 64,000 OBC हो तो प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। सर मेरी रैंक 82,000 OBC हो, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। ये बच्चे जो 40,000 के ऊपर चल रहे हैं OBC EWS सब में प्राइवेट। भैया 28,000 रैंक आई है SC कैटेगरी से, जी हाँ आपका एक मौका बन सकता है। मेरी रैंक 347 है, गजब, डेफिनेटली आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना। कैटेगरी कब जारी होगी, कैटेगरी वाइज देखिए रैंक अभी तक तो नहीं आई है, देखते हैं क्या होता है। भैया स्टेट रैंक 16,000 है, EWS कैटेगरी है, जी हाँ EWS, देखिए इन्होंने EWS लगाकर फायदा लिया है इसका, बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है 9,000 के अंदर, 10,600 के अंदर रैंक है तो भाई सरकारी कॉलेज के चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने मार्च में ये सब है, फी आज ही पे करना है क्या? देखिए अभी आप लोग की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, जब चॉइस फिलिंग आपकी शुरू होगी 15 तारीख से चॉइस फिलिंग, तब आप लोग को फीस पेमेंट करना है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं देखूं बट डाउनलोड नहीं हो रहा, अब डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। सर कुछ फीड कर दिए बट शो नहीं हो रहा, सब कुछ फीड कर दिए मतलब, ठीक है फिर से करिएगा हो जाएगा। 28,000 रैंक आ रही है, डैट जरूर बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है। जनरल में तो बहुत मुश्किल है। सर मेरा स्टेट रैंक 14,000 समथिंग है, ठीक है तो सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। देखिए हम बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि कास्ट क्या है, जी हाँ। तो चलिए यहाँ पर बात आ गई, तो ठीक है सरकारी कॉलेज बहुत ही आसानी से मिल सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए वीडियो में फिर से रिटर्न आते हैं हम लोग, एक एक सवाल का आंसर करके वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों सरकारी कॉलेज कितने रैंक तक आपको मिल सकता है, देखिए रैंक यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, अगर आपकी 1 लाख से ऊपर भी रैंक है लेकिन स्पेशल कैटेगरी में आते हैं SC में नहीं कहेंगे, ST में कहेंगे, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ये 4 कैटेगरी में आपके चांस बन सकते हैं। बाकी शुरू के 4 कैटेगरी में तो भैया आपको लगभग 30,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, SC में थोड़ा चल जाएगा, OBC EWS जनरल में तो रैंक बहुत ही कम होनी चाहिए। मोबाइल में स्टेट रैंक कैसे देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो
वही दोस्तों, गलती हमने बोला कि कुछ बच्चे सरकारी साथ प्राइवेट कॉलेज का विकल्प डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 5,000 रैंक है, मान लेते हैं सरकारी कॉलेज आपका नहीं मिल पाया, उसके बाद आपको तुरंत प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, तब आप मुसीबत में फंसते हैं। रिफंड पॉलिसी दोस्तों जैसे ही आती है सामने वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं।